जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान। महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहां। सबसे पहले ओबोम, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंगर जब किसी भी लेजेंडरी सिंगर का गाना स्टेज पर गाता है और वो अपने अंदाज से उस गाने को पेश करे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और महिमा, आपकी आवाज़ में जो वो मिष्टी दोही है वो बहुत ही लाजवाब है। थैंक यू सो मच सर। बहुत खूबसूरती के साथ आप दोनों ने इस गाने को निभाया। थैंक यू सो मच सर। ऑडिशन से लेके आज तक मुझे पूछते कि क्या ओबाम ये गाने गा सकता है, आई वुड हैव सेड नो चांस। जितना आपने किया इज वे बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। इन दोनों गानों में बहुत सवाल जवाब है, बहुत यू नो छेड़खानी है। कमाल लगी मुझे आज। ओ हसीना ज़ुल्फों वाली जाने जहां के लिए मेरी तरफ से एक्स्ट्रा लव। थैंक यू। मैं क्या कहती हूँ, योर केमिस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटिफुल। और हमारे पास जावेद अली जी हैं। चांस और रोशन गा दीजिए और ये लोग कर देंगे यहाँ पे शिकारा विकारा लगा के एक आहा कुछ माहौल बना दो। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे तुम देख के मैंने जाना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाए, जो इन मौजों में ढूंढा उसने ही दुनिया पाई। तार बगैर क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तार बगैर क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया, तारे बगैर क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया, तारे बगैर
किसने तुम्हें बनाया। आइए आइए शर्मिला जी, क्या शर्माई आप। बहुत डरावनी एक सीन आया था कि जब लग रहा था मेरे को शायद ओबम पानी में गिर गया। तो उधर जब वो स्टाइल मारा था ना ऐसा करके। अब दूसरा महिमा, इनका एक्सप्रेशन के कब किनारा आएगा और मैं उतरू। की बारी है बनाया। दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बाहर में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। मुझे दोनों जो गाने हैं बहुत ही बारीकियों वाले भरे हुए हैं, इनमें नुआंसेस, वो सब चीज़ों को आपने सुना बराबर, उनको बहुत अच्छा निभाया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सेकंड गाने में पहला जो लाइन मुस्कान,
छुप गए सारे, वो जो लिया ना छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, एकदम छू गया फटाक से। थैंक यू सर, थैंक यू। विपन तू झूठ बहुत बोलता है लेकिन सेकंड सॉन्ग में तेरा सच्चाई बहुत था। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। रफी साहब एक ऐसे कलाकार थे जो जिस एक्टर के लिए गाते थे, जिस कैरेक्टर के लिए गाते थे, वो ऐसा लगता था रफी साहब नहीं है, वो कैरेक्टर गा रहे हैं। जब आप रेडियो पर गाना सुनते हो तो रेडियो पे गाना सुनने के बाद पता है आपको कि इस एक्टर के लिए रफी साहब ने प्लेबैक किया है, मतलब उनकी आवाज को कानों से देखा जाता था। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो आई थिंक एक बार जोरदार तालियां द ग्रेट मोहम्मद रफी साहब के लिए खड़े होकर होनी चाहिए। जावेद जी, आपको मैंने जब भी रफ़ी साहब की गायकी में सुना है, इतना आप डूब के गाते हैं, उनको इतना आपने समझ लिया है गायकी में, और एक झलकी अगर आपसे मिल सकती है, हर वो अलग इमोशन की, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू फॉर दैट। हो जाए, कोशिश करूंगा। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमीन, थम गया आसमान, जाने मन जाने जाए। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमीन, थम गया आसमान, जाने मन जाने जाए। तुमने मुझे देखा, वाह 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 वाह। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे कुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। वाह वाह वाह। ख्यालों में, ख्यालों में हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। लव कॉमेडी मस्ती चाहे कुछ भी बोले, सारे ही इस मेडली में एकदम तरोताजा हो गए और क्या मजा आ गया। थैंक यू सो मच जावेद जी एंड दीपन, फैबुलस यार, कमाल हो गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.